विदेश जाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? वीजा। वीजा मिलेगा या नहीं, इसका टेंशन सबको रहता है। मैंने एक ऐसी जगह का नाम सुना है जहाँ जाने के बाद वीजा रिजेक्ट नहीं होता है। शायद आपको मेरी यह बात थोड़ी अटपटी लग रही होगी, लेकिन ऐसा होता है। मैं हूँ राकेश जैन और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। हैदराबाद से करीब 30 किलोमीटर दूर बहुत ही पुराना भगवान वेंकटेश्वरा का मंदिर है। लोग यहाँ आते हैं एक खास रिक्वेस्ट लेकर। जी हाँ, वीजा रिक्वेस्ट। हे प्रभु, आपकी लीला भी अपरंपार है। कहते हैं 1980 में कुछ स्टूडेंट्स इस चिलपुर बालाजी के मंदिर आए फॉरेन में हायर स्टडीज की वीजा लगाने के लिए। मन्नत पूरी भी हो गई और वो स्टूडेंट्स यहाँ वापस आकर 108 परिक्रमा कर प्रभु का आभार व्यक्त किया। तब से इस मंदिर का नाम वीजा बालाजी पड़ गया। यह वीजा बालाजी मंदिर वीजा कैंडिडेट्स के लिए एक मस्ट प्लेस विजिट बन गया है। दूसरे धर्म से जुड़े लोग भी अपनी रिक्वेस्ट लेकर इधर आते हैं और वीजा बालाजी का आशीर्वाद लेके जाते हैं। क्या यहाँ वीजा के लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है? जी बिल्कुल पड़ती है। पंडित जी के अनुसार भक्तगण पासपोर्ट भगवान के पास रखकर उनसे मन्नत मांगते हैं। खाली पासपोर्ट से काम नहीं चलेगा भाई, आपको कुछ और भी करना होगा। आपको पहले मंदिर की 11 परिक्रमा करनी होगी। मन्नत जब पूरी हो जाए तब आपको 108 परिक्रमा करनी पड़ेगी। दोस्तों, जहां आस्था होती है वहां रीजनिंग देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम भारतीयों की शक्ति आखिर आस्था में ही तो है। एक महत्वपूर्ण जानकारी, मंदिर के खुलने का समय सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे और शाम के 4 बजे से 8 बजे। अगर आप 108 परिक्रमा देना चाहते हैं, याद रखिए इसमें आपको कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे। अगर आप किसी कारणवश पूरी 108 परिक्रमा नहीं कर सकते तो मंदिर के बाहर भी आप परिक्रमा कर सकते हैं। पंडित जी के अनुसार जब आप एक परिक्रमा बाहर के मंदिर की करते हैं तो यह मंदिर के अंदर की 11 परिक्रमा के बराबर होती है। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू। जय बालाजी की।